तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। जैसे कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि एनएक्स ऑडियो के MT-1601 वर्सेस ऑडियो टोन का MT-1601 दोनों में से कौन सा एम्पलीफायर बेस्ट है ये बताएं, तो इन दोनों में से कौन सा एम्पलीफायर बेस्ट है इस वीडियो में फुल अच्छे से बता रहा हूँ आप लोगों को। और जब से ऑडियो टोन का ये MT-1601 आया है तब से ही कमेंट्स आना स्टार्ट हो गया है कि इन दोनों में से कौन सा एम्पलीफायर बेस्ट है, या फिर कंपेरिजन वीडियोज कीजिए इसके ऊपर। तो इस वीडियो में फुल कंप्लीट आप लोगों के लिए मैंने किया है, अच्छे से भी बताया है, तो आप लोग देखिए वीडियो को। और ऑडियो टोन का MT-1601 एकदम नया एम्पलीफायर है, इसलिए इस एम्पलीफायर के डिटेल्स अभी तक उतना अच्छे से पता नहीं चल रहा था। तो मैं कल एक वीडियो देखा, किशोर साउंड एंड कैबिनेट सर का मैंने वीडियो देखा कल, वहाँ पर सर ने ये वाला एम्पलीफायर खरीदा और अच्छे से रिव्यू किया, डिटेल्स दिया, वहाँ से मुझे थोड़ा बहुत डिटेल्स पता चला और आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूँ एनएक्स ऑडियो का MT-1601 वर्सेस ऑडियो टोन का MT-1601। और आप अगर चाहते हैं किशोर साउंड एंड कैबिनेट का भी वो वाला वीडियो भी अगर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वैसे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करें अगर एम्पलीफायर के ओवरऑल लुक की, तो लुक वाइज दोनों एम्पलीफायर एकदम भाई भाई की तरह लगते हैं, दोनों एम्पलीफायर एकदम सेम ही हैं, लेकिन यहाँ पर कंपनियाँ अलग हैं और जो फीचर्स दिया गया है वो भी अलग हैं। तो एक एम्पलीफायर है ऑडियो टोन की तरफ से MT-1601, दूसरा एम्पलीफायर है एनएक्स ऑडियो फोटोन की तरफ से MT-1601। तो दोनों का मॉडल नंबर भी सेम ही है। तो चलिए और भी कुछ बात करते हैं। तो पहले बात करेंगे एम्पलीफायर के आउटपुट के ऊपर, उसके बाद डंपिंग की बात करेंगे, एंड लास्ट में प्राइस के ऊपर बात करेंगे, एंड एकदम लास्ट में बात करेंगे दोनों एम्पलीफायर में से कौन सा बेस्ट होने वाला है आपके लिए और हमारे लिए। तो चलिए बात करते हैं दोनों एम्पलीफायर की। तो फर्स्ट में बात करते हैं एम्पलीफायर हमारा कितने ओम्स में कितना आउटपुट दे देता है। तो फर्स्ट में हमारा ऑडियो टोन है, तो चलिए ऑडियो टोन की ही बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑडियो टोन एम्पलीफायर दे देता है 8 ओम्स में पर चैनल 1800 वाट, एक चैनल में 1800, दूसरे चैनल में 1800 वाट दे देता है। और चलिए एक ही साथ में लोड कैलकुलेशन भी कर लेंगे। तो आप यह बार लगा सकते हैं 1800 वाट के बेस, 1800 वाट के एक बेस लगाएंगे एक चैनल पर, और 1800 वाट के एक और बेस लगाएंगे दूसरे चैनल पर। आप यहाँ पर चाहे तो 2000 वाट का भी बेस लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पर जैसे कि बताया 2000 वाट का बेस भी आराम से चला सकते हैं। और यहाँ पर बात करें अगर एनएक्स ऑडियो के MT-1601 के ऊपर, तो हमारा एनएक्स ऑडियो का MT-1601 8 ओम्स में देता है 1700 वाट पर चैनल, एक चैनल में 1700 और दूसरे चैनल में भी 1700 वाट दे देता है। और यहाँ पर लोड कैलकुलेशन की अगर बात की जाए, तो आप यहाँ पर बेस लगा सकते हैं 1700 वाट से लेकर आप 2000 वाट का भी बेस यहाँ पर चला सकते हैं। लेकिन ऑडियो टोन के मुकाबले अगर आप 2000 वाट का बेस लगा रहे हैं, ऑडियो टोन के मुकाबले एनएक्स ऑडियो में थोड़ा सा साउंड आपको कम लग सकता है, थोड़ा सा पंचेस कम लग सकते हैं, क्योंकि इसमें 1700 का आउटपुट मिलता है और ऑडियो टोन में 1800 का आउटपुट मिलता है। तो आप यहाँ पर दोनों में ही 2000 वाट का भी बेस यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए 4 ओम्स की बात करते हैं। तो ऑडियो टोन का MT-1601 एम्पलीफायर 4 ओम्स में देता है 2800 वाट का पर चैनल आउटपुट, एक चैनल में 2800, दूसरे चैनल पर 2800 वाट 4 ओम्स में दे देता है। तो आप यहाँ पर बेस लगा सकते हैं 1500 वाट वाले, 1500 वाट वाले बेस आप यहाँ पर लगा सकते हैं, दो बेस एक चैनल पर और 1500 वाट के दो बेस दूसरे चैनल पर आप लगा सकते हैं। और बात करें अगर एनएक्स ऑडियो की, तो एनएक्स ऑडियो 4 ओम्स में देता है 2250 वाट पर चैनल, एक चैनल पर 2250, दूसरे चैनल पर भी 2250। तो आप यहाँ पर एनएक्स ऑडियो में कितना वाट का बेस लगाएंगे, आप एनएक्स ऑडियो में लगा सकते 1200 वाट वाले दो बेस एक चैनल पर और 1200 वाट वाले दो बेस दूसरे चैनल पर आप लगा सकते हैं। तो अभी बात करें अगर 2 ओम्स के आउटपुट ऑडियो टोन की, तो ऑडियो टोन का MT-1601 2 ओम्स में देता है 3500 वाट का पर चैनल आउटपुट, एक चैनल में 3500, दूसरे चैनल में 3500। तो आप यहाँ पर बेस लगा सकते हैं 800 वाट वाले चार बेस एक चैनल पर और 800 वाट वाले चार बेस दूसरे चैनल पर आप लगा सकते हैं। और बात करें अगर एनएक्स ऑडियो की, तो एनएक्स ऑडियो 2 ओम्स पर देता है 3000 वाट का आउटपुट, एक चैनल में 3000, दूसरे चैनल में भी 3000 वाट का आउटपुट दे देता है। तो एनएक्स ऑडियो में भी आप चला सकते हैं बेस चार बेस, टोटल 750 वाट वाले बेस आप लगाएंगे एक चैनल पर, 750 वाट वाले चार बेस दूसरे चैनल पर भी, 750 वाट के चार बेस आप चला सकते हैं।
लेकिन दोनों एम्पलीफायर में ही या फिर कोई सा भी एम्पलीफायर में आप 2 ओम्स पर बेस को ना चलाए, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 2 ओम्स पर कोई भी एम्पलीफायर में बेस ना चलाए तो एम्पलीफायर का भी अच्छा होगा और स्पीकर्स भी अच्छे रहेंगे, ठीक है। तो 2 ओम्स पर बेस को यूज़ ना करें, बाकी मैं आउटपुट आपको बता दिया हूँ। तो अभी बात करें अगर ब्रिज मोड के आउटपुट की, तो हमारा ऑडियो टोन का MT-1601 ब्रिज मोड में 8 ओम्स पर आउटपुट देता है 5600 वाट और 4 ओम्स पर देता है 7000 वाट ब्रिज मोड में दे देता है। तो चलिए अभी बात करते हैं NX Audio MT-1601 कितना देता है। तो NX Audio का MT-1601 8 ओम्स पर देता है ब्रिज मोड में 4200 वाट 4200 वाट और देता है 4 ओम्स पर 5200 वाट, तो ये देता है NX Audio। तो अभी बात करें अगर डंपिंग की, तो ऑडियो टोन का MT-1601 का डंपिंग है 1300 और हमारा NX Audio का MT-1601 का डंपिंग है 1000 और बाकी क्लच की अगर बात की जाए तो दोनों ही एम्पलीफायर हमारा क्लच एच में आता है। तो बात करें अगर एम्पलीफायर के वेट की, तो ऑडियो टोन का MT-1601 का वेट है यहाँ पर 38 kg और MT-1601 जो हमारा NX Audio की तरफ से आता है उसका वेट हमको पड़ता है अप्रोक्स 47 kg। तो अभी बात करें अगर दोनों एम्पलीफायर का ही प्राइस, तो यहाँ पर ऑडियो टोन का MT-1601 का प्राइस आपको पड़ेगा अप्रोक्स प्राइस 45,000 से लेकर 48,000 के बीच में आपको पड़ जाएगा, अप्रोक्स प्राइस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। और हमारे NX Audio के MT-1601 का प्राइस आपको पड़ेगा 48,000 से ऊपर, तो 48,000 से 50,000 भी पड़ सकते या फिर 52,000 में आपको मिल जाएगा, 48,000 से ऊपर आपको मिल जाएगा। तो अभी बात करें अगर इन दोनों में से कौन सा एम्पलीफायर खरीदना चाहिए, तो हमारा ऑडियो टोन का एम्पलीफायर NX Audio के एम्पलीफायर से भी अच्छा है, आउटपुट में हमको ज़्यादा दे रहा है, डंपिंग में भी हमको ज़्यादा मिल रहा है एंड प्राइस हमारा कम पड़ रहा है। NX Audio के एम्पलीफायर के एम्पलीफायर से भी हमारा ऑडियो टोन का एम्पलीफायर प्राइस में भी कम आ रहा है, लेकिन वाटेज डंपिंग फैक्टर सब कुछ हमारा ज़्यादा मिल रहा है। और एम्पलीफायर का अगर आप टेस्टिंग भी देखना चाहते हैं, अच्छा खासा टेस्टिंग अगर आप देखना चाहते हैं, तो किशोर साउंड एंड कैबिनेट का वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर भी आप इस एम्पलीफायर का टेस्टिंग देख सकते हैं। मैंने स्वर को बोल भी दिया है, तो आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस एम्पलीफायर के टेस्टिंग भी देख सकते हैं ऑडियो टोन के MT-1601 का। तो बाकी NX Audio के MT-1601 से हमारा ऑडियो टोन का MT-1601 काफ़ी अच्छा है, आउटपुट में भी ज़्यादा है, डंपिंग में भी ज़्यादा है एंड प्राइस में उससे थोड़ा कम है, NX Audio से थोड़ा प्राइस में भी कम है। तो आप ऑडियो टोन के MT-1601 को खरीद सकते हैं, बहुत ही अच्छा एम्पलीफायर है। तो गाइस सारा चीज़ तो मैंने क्लियर कर ही दिया है, अगर कहीं पर भी समझने में प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो प्राइजेस मैंने बताया है सभी प्राइजेस अप्रोक्स प्राइस है, तो वो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। और आपका अगर कोई भी वीडियो है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं आपका वीडियो भी बना दूंगा, हो सके तो बना दूंगा, ट्राई करूंगा, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हैं, क्योंकि मैं डीजे एंड डीजे साउंड से रिलेटेड वीडियोस हर दिन इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल में बने रहिए और वीडियोस को एंजॉय ऐसे ही करते रहिए।